हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल RNS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से देखते हैं कि क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए, ये सब क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? तो बोल रहा है कि 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मान लेते हैं कि 10% का हानि हो रहा है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब 90 में जो है 240 में बेच रहा है, यानी कि 90 का वैल्यू है 240 में बेच रहा है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर 240/90। अब बोल रहा है क्या कि 20% का लाभ होगा, तो गुना में 120 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 4 हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा? 320 रुपये। यानी कि 320 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 8:1 दिया हुआ है, यानी कि CP और SP का जो अनुपात है 8:9 है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा एक का, और कितना पर? 8/100, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 12.5% आंसर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है कि 770 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो 12.5% कितना हो जाएगा? 12.5% कितना लिख सकते हैं हम? इसको फ्रैक्शन में करिएगा तो ये आ जाएगा 1/8, यानी कि जो है ये आपका हो गया लॉस, ठीक है, और ये हो गया CP। तो इसका जो है बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो ये CP हो गया, ये लॉस हो गया, तो SP कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहा है 770 रुपये में, तो SP का वैल्यू कितना हो गया? ये घटेगा 8 में से 1, तो कितना हो जाएगा? SP बराबर क्या होता है? CP माइनस लॉस, तो CP कितना? 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 का वैल्यू दिया हुआ है 770, तो ये 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, अब बोल रहे क्रय मूल्य निकालें, तो क्रय मूल्य मेरा कितना था? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 को, तो कितना आ जाएगा? 880 रुपया क्रय मूल्य।